Wajah kena guru raja kesani usia pada usia je pesen cikgu mengapa terang kena gaya Daniel Rajput ego ma or baca ni mana dress cuma pesen dah ni jenikan ni mengapa birawi jenikan dress ni mengapa birawi le pesen terbeli kaya dua degi mewah asli sari ye ini mengapa terang kani Asif Asif aja asli pura aja Amerika ada model ana style bana itu kaya idah tiga iya ti salon bi asli और दूसरी एक ऐसा निश्चित आस्ती जिन्हें कहानी जो मेकअप को दिखे शुमानी जुल्ता चार्ट को दिखने से नगीन नगीन निश्चित आस्ती ब्यूटीशियन है और ये वो थी पॉलर भी आस्ती माई जो उसके ने के चुक चिक्का टाइम लगी है तैयार करने का जी आसिफ कैसे हैं आप खैरियत से अल्लाह का शुक्र है आप सुनाए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए और जितने आपने मॉडल तैयार किए जल्दी जल्दी तो कितना टाइम लगता है आपको और आपने कितना टाइम इस फील्ड को दिया है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में हो गए 20 ईयर्स हो गए जी तो माशाल्लाह बहुत मेहनत करनी पड़ती है बहुत बगैर मेहनत के कुछ नहीं होता एक एयर स्टाइल बनाने में कितना टाइम लगता है आपको 5 मिनट 5 मिनट लगते हैं जी तो जहन में आ जाता है किस पे कौन सा स्टाइल सूट करे ये सिर्फ देखना होता है कि फेस को फेस के हिसाब से स्टाइलिंग होती है कटिंग के हिसाब से फेस के हिसाब से अभी आपने देखा होगा आपका लोच मॉडल है बासित जी उसकी हमने कल हेयर कट किया था और स्टाइलिंग कट वगैरह आपके सामने है मतलब आप पहले से कर लेते हो शो से पहले आप कर लेते हो सब तैयारियाँ जी कुछ ऐसे भी होते हैं कि वो लेके आते हैं स्टाइल यूट्यूब गूगल से लेके आते अच्छा, हैं तो आप देख के जल्दी जल्दी कर लेते हैं कर ले। अच्छा नगीन कैसे हैं आप खैरियत से अल्लाह का शुक्र है आप बताएं अल्हम्दुलिल्लाह नगीन आप क्या करती हैं क्या क्या करती हैं आप अपने बारे में बताएं वैसे तो मेरा सैलून है सैलून में तो आपको पता है सारी चीज़ें ही होती हैं फेशियल्स हो गए हेयर कट हो गया कलरिंग के काम है मेकअप में लेकिन ज़्यादा ये है कि मेकअप का काम ज़्यादा होता है और वैसे मैं मीडिया में भी काम करती हूँ तो मेकअप का काम आपको पता है फिर मॉडल्स के शूट्स वगैरह करने हैं तो फिर मेकअप का काम ये है कि डेली रूटीन में मेकअप का काम रहता है उसके अलावा सैलून में तो कलरिंग है वगैरह तो वो क्लाइंट्स भी होते हैं कुछ मॉडल्स भी होती हैं तो वो उनका काम चल रहा होता है आपको कितना अरसा हो गया इस फील्ड में मुझे माशाल्लाह से 8 साल हो गए 8 साल जी और जो है बट ये है कि शौक बहुत है अभी भी ये है कि नई से नई जो टेक्निक जैसे अब आ रही है अब पहले का मेकअप और अब के मेकअप में बहुत डिफरेंस आ चुका है पहले लोगों को इतना नो हाउ नहीं था कि मेकअप क्या चीज़ है बस कुछ भी मेकअप आर्टिस्ट आया और लगा दिया अब आजकल का तो ये ट्रेंड है कि क्लाइंट आपको खुद बता रहा होता है कि हमें ये चीज़ चाहिए और ये चीज़ नहीं लगाना है ये चीज़ आप ज़्यादा कर दें ये चीज़ कम कर दें तो बहुत जो है अब पहले के मुकाबले में अब ट्रेंड चेंज हो चुका है तो जो है उसके हिसाब से आपको पता है फिर अप टू डेट रहना ज़रूरी है नहीं सैलून कहाँ पर है मेरा महमूदाबाद पे है और जो है वैसे ऑनलाइन भी हमारा काम है हम होम सर्विसेज वगैरह भी देते हैं अच्छा जी तो पूरा तो वो किस तरीके से आप देते हो वो जैसे फेसबुक वगैरह पेज वगैरह बना हुआ है हमारा अच्छा तो उस पे जो है क्लाइंट्स जो भी होते हैं सारे उस पे अपॉइंटमेंट्स होती हैं हमारी फिर जो वर्कर्स वगैरह है पेज किस नाम पर है ब्यूटी कॉल बाय नगीन के नाम से पेज है ठीक है तो उस पे जो है अपॉइंटमेंट्स वगैरह जो है बुक हो जाती हैं उसके बाद हमारी जो वर्कर्स वगैरह हैं उनको भेज के तो फिर जो भी अपॉइंटमेंट होती है वो उनके घर पे जो है अवेल कर सकते हैं आराम से और ये बहुत अच्छा होता है उन खवातीन के लिए जो बच्चे वाली होती हैं कुछ ऐसी होती हैं जो उनके लिए आसानी है बहुत आसानी बिल्कुल बिल्कुल कुछ पेशेंट्स होती हैं जो बाहर नहीं जा सकती उनकी स्किन डल हो रही होती है तो उनको ज़रूरत होती है तो फिर वो ये कि घर पर बुला कर सारी चीज़ें करवा लें और कुछ होता है कि ब्राइडल्स का भी इशू होता है कि घर से निकलने नहीं जैसे होता है आपको पता ट्रेडिशनल के माइयों के बाद नहीं आपने बाहर नहीं जाना है तो घर में जो काम करवाने करवा लो तो उनके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है कि घर पे बुला के जो है आप सर्विसेज अच्छा, वगैरह आज आपने कितने मॉडल तैयार किए आज माशाल्लाह से हमने 5-6 तो किए 5-6 तो इतने जल्दी हो जाता है हो जाता है बिल्कुल हो जाता है बट ये कि देखिए टाइम के ऊपर से होता है जब हमारे पास टाइम कम होता है तो फिर हम उसको उस हिसाब से डील करते हैं कि मतलब कम टाइम में हम क्या चीज़ें कर सकते हैं जो कम में हो जाए हमारा काम कुछ ऐसा होता है कि जब हमारे पास टाइम होता है तो फिर डिटेलिंग में काम थोड़ा सा क्या डिफरेंट हो जाता है हाँ ये चीज़ अच्छी चीज़ हम कर सकते हैं बट जब टाइम बिल्कुल शॉर्ट होता है हमारे पास तो फिर हम वो चीज़ करते हैं कि बस जो हो जाए इस टाइम पे और अच्छा लगे अच्छा लगे और यहाँ हमारे पास फीमेल मॉडल्स हैं और गुलराज इधर फीमेल जो हमारे मॉडल्स आए ना ड्रेस को रखो था अच्छी तरतीब यानी मेकअप भी था हेयर स्टाइल छू जुड़ कर रख भी था मौसम चार्ट को कहीं मैं स्टार्ट करनी फर्स्ट मॉडल आ ची और उम्मीद करें कि हमारा बाज दोस्त भी थी रही स्टार्ट नहीं होगा जी चारे जी
मास चार रही मास्ती मॉडल नहीं ड्रेस चार थे कोई रहता है और हो गया जी दानियाल ये कौन से डिजाइनर के ड्रेस ये डिजाइनर जो है जियो अप्रैल के नाम से वो डिजाइनर भी हमारे यहाँ पे आए हैं उसामा नाम है उनका फेसबुक पे भी इंस्टाग्राम पे भी उनका पेज बना हुआ है जीओ अप्रैल के नाम से वो सर्च कर सकते हैं तो माशाल्लाह उनके पास बहुत सारी वैरायटी है अभी आपने देखा होगा अलग अलग मॉडल्स थी हाँ, अलग अलग ड्रेसेस ब्लू कलर का जो ड्रेस है वो मुझे अच्छा लगा सबसे ज्यादा क्या नाम है इसका आमना जी इनका नाम है आमना आमना आप जरा यहाँ आ जाए कैमरा मैन जो दसवंदी के आमना ड्रेस आप भेजा रहे जो सिंपल वशी लुक के ये शुमा गोरा खुद कने और ये ड्रेस यहाँ देखें इस कैमरे की तरफ और ये आमना जो ड्रेस है पेज बेदारिन दसबंदी है कैमरा मैन से कि पेज बेदारिन ड्रेस इसी ची पिसाबा बॉर्डर बने तगा और डिज़ाइन बने था शुमा चार गुद करे सिंपल अस्ती एक ड्रेस है और वश भी पैदा के शुमा इशिया गोरा खुद करे फ्रॉक कम उठाए पे और इसी सारा ची साबा ची यूज़ खुद करे था कमो जाला ची कैमरा मैन दसबंदी पेज बेदारिन कि ये ड्रेस अस्ते ची तरतीब ची सेटअप अभी तक मना खैर बस दूस भी तम अभी बस ये सेलेक्ट को कि ये माशा अवश्य बस और इसे पेज बेदारे जाले से पेज बेदारे नहीं कमो की जी जी बिल्कुल यदा ची कि कमो तो बॉर्डर भी चार्ट कूद करने और बस वशी ड्रेस है और उम्मीद करने कि हमारा दोस्त भी ये ड्रेस और शर भी लग गई थे जब मैं गोरा खोद करना यके कम ये सब पेज दारे ना आप आ जाए आप निदा नहीं आप निदा इन क्या नाम है ब्लू कलर का जो ड्रेस है खतीजा आप आ जाए खतीजा ड्रेस है बेचारे आटे में तो ये जल्दी जल्दी रह गया था इसका खबर न कब नीशो मारा हम कंप्लीट पेज पे दारे ना कि ये ड्रेस सा शुमा पूरा कंप्लीट चार्ट खोद करने था डिजाइनर आना जिताए तरतीब वास्ती ड्रेस बनाए था और शुमा कॉन्टैक्ट भी खुद करने था मुख्तलिफ डिज़ाइनर फेसबुक पेज हस्ते चूँकि दानियाल हो क्या आई तो शुमा सर्च खुद करने था और चार्ट खुद करें आप भी आ जाएं एक एक करके आ जाएं आप ताकि हम कंप्लीट ड्रेस दिखाएं सब आ जाओ सब भी आ जाएं मेरे ख्याल दो दो या तीन लड़कियां आ जाएं शुमा शाह चार्ट खुद करने था फ्रंट जो मैं दे में कैमरा ही शुमा चार्ट खुद करने था शनि ड्रेस हाँ और मैं कैमरामैन भी पेज बेदानी नहीं थे इधर मैं मर्ची की मॉडल भी तगा आशाना अस्ती क्या नाम बताया आपने किसका डिजाइनर का क्या नाम का नाम मैंने उसामा बताया उसामा बताया तो उसामा का पेज है अपना जी जीओ अप्रैल जी वो आप सर्च कर सकते हैं इसमें चार्ट कोड करने था उसामा है पेज है और हमारा का चुशी ड्रेस लूटी थे ये सिंपल बास ड्रेस है और वश भी लगेगा वैसे करीब ऐसे गंद गया और बास जबरदस्त है जी बहुत शुक्रिया आप सबका थैंक यू सो मच बहुत प्यारी लग रही है और नगीन ने आप लोगों को ऐसा तैयार किया हुआ है माशाल्लाह से अच्छा नगीन ये ड्रेस पे भी डिपेंड करता है कि आपने कौन सा मेकअप करना है ना बिल्कुल आपके ड्रेस पे बहुत डिपेंड करता है कि ड्रेस आपका पार्टी वेयर है या कैजुअल ड्रेस है तो उसके हिसाब से मेकअप थोड़ा सा चेंज हो जाता है अब मेकअप के हिसाब से थोड़ा सा जो ड्रेस है आपका थोड़ा सेटल करना पड़ता है अगर आपका ड्रेस थोड़ा सा ऐसा है कि जो कैजुअल है क्योंकि डे का मेकअप अलग हो जाता है नाइट का मेकअप अलग है अब डे में मेकअप भी होना चाहिए लेकिन ऐसा है कि वो सामने से दिखे भी नहीं कि आपने बहुत ज्यादा मेकअप किया हुआ है जिस तरह के आजकल इन है कि नो मेकअप लुक चल रहा है कि ज्यादातर क्लाइंट्स बोलते हैं कि हमें नो मेकअप लुक चाहिए मेकअप प्रॉपर वो पूरा होता है कंटूरिंग भी उसमें हाईलाइटिंग भी पूरी होती है बट दिखता नहीं है वो कि मेकअप इतना हुआ हुआ इतना लाउड नहीं फील होता है तो मेकअप वही मैं आपसे कह रही हूँ ना कि अब बहुत ट्रेंड चेंज हो चुका है लोग खुद बताते हैं कि हमें जो है वो किस तरह का मेकअप चाहिए तो जैसे आप कैजुअल रूटीन में जब हम मेकअप करते हैं तो इतना ज्यादा नहीं लाउड करते हैं हाँ और रात का मेकअप जब होता है तो जाहिर है फिर उसमें थोड़ी सी शार्प कंटूरिंग वगैरह जैसे हो जाती है तो उसमें इतना नहीं पता लगता कि वो लाइटिंग इफेक्ट से चेंज हो जाता है चेंज हो जाता है जी बिल्कुल जी बिल्कुल और गोरीराज द प्रोग्राम में टाइम भी बिल्कुल खत्म बह गए खत्म बीता तो बस मिन्नत गिरा बहुत बहुत शुक्रिया दानियाल कि आपने हमें बहुत कोऑपरेट किया शुक्रिया कोई बात नहीं है जब तक आप लोग हैं तब तक हम लोग हैं ये आपका शुक्रिया है कि आप लोग हमें बुलाते हैं हमारे जो ब्यूटिशियंस हैं डिजाइनर्स हैं मॉडल्स हैं आप उनको प्रमोट करते हैं नहीं नहीं आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में कोऑपरेट करने के लिए बहुत शुक्रिया जी जी बोलो दानियाल बहुत जो है न्यू जो जनरेशन है उनको बहुत जो है सपोर्ट करते हैं आगे लेके आते हैं तो जो भी है मैं भी बोलना चाहूँगी जो लोग आगे आना चाहते हैं जिनको मॉडलिंग का शौक है एक्टिंग का शौक है चाहे वो मेल हो या फीमेल तो वो दानियाल से जरूर कॉन्टेक्ट करें और ये बहुत अच्छा मौका देते हैं आपको
और एक बार जो इन मॉडल एक बार इनके पास आ जाए ना तो फिर वो आगे जाकर फेमस हो जाती है, तो मैं जानती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मुझे पता है। माशाल्लाह से हस्बैंड है उमर, अभी जो आज का मेकअप हुआ है इन्होंने भी किया है। अच्छा, उमर वहाँ थोड़े बिजी थे मेकअप के लिए तो यहाँ आ नहीं पाए। तो जाहिर सी बात है जब तक किसी वाइफ का हस्बैंड उसको सपोर्ट ना करे ये बहुत बड़ी बात है, वो इंसान आगे नहीं जा सकता। जरूरी ये क्या मिसाल है, अभी मैं तो शादीशुदा नहीं करूँगा, मैं भी शादी करता हूँ, तो अगर मैं अपनी वाइफ को सपोर्ट करूंगा तो मेरी वाइफ आगे जाएगी। बिल्कुल सही। तो इनका जो है आसिफ है, इनका है आसिफ जी के नाम से, इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उमैर से कांटेक्ट कर सकते हैं, नगीन है इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ब्यूटी कॉल का इनका अपना पेज बना हुआ है। तो इस तरीके से जी, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ, आपको बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। नगीन आपका भी बहुत शुक्रिया, बाकी सारे मॉडल्स हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि सब ने हमें बहुत अच्छे से तावन किया। और उम्मीद है कि गोली राजेश प्रोग्राम से हमारा बाज दोस्त बिता और दिन तरह भी दाने वाले से मामी रिक्वेस्ट करें कि अच्छे प्रोग्राम एयर बेकनते ताकि मैं प्रोग्राम में था बाजी ड्रेस हस्ते आ जाहिर बे बनती डिजाइनर आने मन उम्मीद से हमारा अपनी शो बाज दोस्त बिता जिंदा का वफा को इंशाल्लाह पता मुलाकात भी नहीं मनोती होस्ट मर जा नजीम बेदे रजा अल्लाह मैं आ रही।